हेलो गाइस, तो आज मैं आ चुका हूँ एक और ब्लॉग लेके आपके लिए। तो आज हम जा रहे हैं चिराग दिल्ली में, काफ़ी अच्छा जगह बन गया है घूमने के लिए और फोटोशूट के लिए, तो उसी जगह को जा रहे हैं देखने के लिए। और मैं अभी खानपुर में हूँ अपने बाइक पे, वही देख पा रहे होंगे। और मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ अपने दोस्त का जो कि आने वाला है, तो आता है उसके बाद हम चलते हैं, ब्लॉग बनाते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि कैसा जगह है, क्या खासियत है चिराग दिल्ली में। अब कि लोग इतना कहते हैं फोटो शूट की बहुत अच्छी जगह है, अच्छी जगह है, अगर हम भी तो देखें कितनी अच्छी जगह है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पहले दोस्त आ जाए उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों, काफी टाइम वेट करने के बाद हमारा दोस्त आ चुका है। सो यो गाइस, सब्सक्राइब मारो भाई के चैनल को, अपने भाई हैं। हाँ, तो आ चुके हैं, हम चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ, बढ़ते हैं उसके बाद बात करते हैं आपसे। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियोज। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही मस्त है। और ये जो है ब्लॉग जो मैं आज बना रहा हूँ वो चिराग दिल्ली का है। आपने जैसा कि देखा होगा, चिराग दिल्ली पहले कितना ही घटिया जगह था, एकदम बिल्कुल ट्रू होता, वो ऐसी ट्रैफिक रहती थी, साइकिल जाने के लिए भी जगह नहीं होती थी। और आज देखो, एक ऐसी जगह बन चुकी है ये जहाँ पे आप फोटो शूट करा सकते हो आकर के। जैसा कि मेरा बैकग्राउंड देख रखिए, देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे। फोटो शूट अगर आप करते हो तो अलग ही फीलिंग आती है, फुल मजे आएंगे आपको वीडियो में। यार देखो, कभी भी अगर आप आते हो ना यहाँ पे, यार चिराग दिल्ली अलग ही चीज़ बन चुका है अब। और चिराग दिल्ली नहीं, ऐसी दिल्ली के हर जगह, मतलब लमसम मान लो कि 11-12 जैसी जगह है जहाँ पे चिराग दिल्ली के अलावा, जो कि दिल्ली में ऐसे मस्त जगह बना रखी है इन लोगों ने, अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आप कुछ भी देखो भाई, पेरिस वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। और गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हो, देखते तो हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अनसब्सक्राइबर जो है वो ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, जो कि वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को ऐसे ही देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। कमेंट करो आप, जो भी होता है अच्छा बुरा, जो भी आपको लगता है कमेंट मारो बस, और कमेंट मारता रहा करो ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। तो गाइज, चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको कैसी जगह है, आखिर आप भी तो देख के समझो कि क्या चीज़ है यहाँ पे, कितना मज़ा आता है। तो चलो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हम शेखसराय में खड़े हैं, और शेखसराय में एक फुटब्रिज बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं फुटब्रिज कैसा बना हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, बहुत ही मज़े आ रहे हैं यहाँ पे फोटो शूट के लिए, एकदम मस्त ही जगह बना रखा है इस दिल्ली को। तो आप देखो, ये इंजॉय करो, कितना अच्छा लग रहा है ये फुटब्रिज जो बना हुआ है। और अभी हम खड़े हैं यहाँ चिराग दिल्ली पे, चिराग दिल्ली से पहले जो शेखसराय वाली बत्ती है वहाँ पे खड़े हैं, और वो ये वाली फुटब्रिज है, और एक चिराग दिल्ली में भी है तो वहाँ का भी देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा लगता है। तो गाइस, आप वीडियो को देखते रहो, एंजॉय करो, और अब आगे और दिखाएंगे कितने लाइक भी करते रहो। क्या करो अंकल, ये वीडियो को देखो और लाइक भी करो आगे। हां, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हां, तो गाइस अब तो अंकल ने बोल दिया भटके सब्सक्राइब होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम अभी दिन में आए थे तो काफ़ी ज़्यादा धूप था तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, देखो आप लाइटिंग कितनी अच्छी लगाई गई है, अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तिरंगे का फ्लेवर लगाया गया लाइट का, और ये RGB लाइट है, और इतने मज़े आ रहे हैं यहाँ पर देख करके भाई, ब्रिज को तो अलग ही बना दिया, अलग ही लेवल का। तो और आगे चलते हैं और आगे और दिखाते हैं आपको कि लाइटिंग के साथ क्या क्या बनाया इन्होंने और क्या क्या खेल कराया दिल्ली में। तो ऐसी लाइट है कि जहाँ पर आपने कभी देखी नहीं होगी, ऐसी लाइट कभी नहीं देखी होगी दिल्ली में, ऐसी लाइट जो कि यहाँ पे लगाया गया है भाई, अलग ही लेवल की लाइटें लगाई गई है। तो चलो आगे वीडियो में चलते हैं। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम उस तरफ से रोड के, और हम फुटब्रिज पार करके इस तरफ आ चुके हैं, और जो आप देख रहे हो पहले जो स्टैचू हमने दिखाई थी, वो स्टैचू रानी लक्ष्मी बाई का है, वो हमें पता नहीं था।
एक्चुअली अब देख के पढ़ के हमें पता चल गया कि हाँ ये रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू है, और सामने यहाँ भी आप देख रहे हो बिल्कुल पीछे ऐसा ही बन रहा है, एक स्टैचू ही बना है जिसमें भी लाइटिंग नहीं दी गई है, तो लाइटिंग इस पर दी जाएगी और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, तो अलग ही लेवल का यहाँ मज़े हैं भाइयों। तो आप लोग जरूर आओ, मैं तो कहूँगा एक बार जरूर आओ यहाँ पे और देखो कि आपके नियर बाई लोकेशन में कितना अच्छा जगह बना दी, कितना अच्छा चीज़ बना दिया गया है। तो एक बार जरूर आओ यहाँ पे और वीडियो में बने रहो, ऐसे ही सरप्राइजिंग चीज़ें और आगे जो कि आपको दिखाएंगे हम, और आप देखो और अगर अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस देखते हो, लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं मारते हो, और ये देख लो कितना मतलब अनसब्सक्राइबर लोग ही वीडियोज़ को ज़्यादा देखते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो भाई को, अपने सपोर्ट करो, ठीक है, मिलते हैं आगे, बाय। Back to the sound. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट मारो कैसा लगता है वीडियो।